अब बोलेगा कोरबा, सबके राज खोलेगा कोरबा। हम आ रहे हैं आपके वार्डों का मुआयना करने, अब गूंजेगी जनता की आवाज। वार्ड पार्षद को देना होगा हिसाब, जनता लेगी पाई पाई का हिसाब। कौन कितने पानी में, देखेगा आप कोरबा, बोलेगा आप कोरबा। आपके मोहल्ले आपके वार्ड में जनता उठाएगी आवाज। विधानसभा में कौन ठोकेगा ताल, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा सिरमौर। INN 24 दे रहा है आपको सुनहरा मौका। उठाइए अपने गली मोहल्ले की आवाज। किन किन सुविधाओं से रहे आप वंचित, किन किन सुविधाओं को मिला आपको लाभ। अब बोलेगा कोरबा, सबके राज खोलेगा कोरबा। INN 24 में देखना न भूले। अब बोलेगा कोरबा, देखेगा कोरबा। यहाँ पर सामुदायिक भवन बनना चाहिए। मैं सबसे पहले इनको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ऐसे दिल वाले शायद ही हजारों में होते हैं, है ना भाई। मैं पहले सबसे उनको धन्यवाद देता हूँ। और सामुदायिक भवन का काम हो गया है, वर्तमान में अभी वहाँ 37 लाख रुपये का इस्टीमेट बन चुका है, जो अभी जो है इस्टीमेट बन गया है। टेंडर प्रक्रिया में जैसे अब राज्य शासन से अनुमति मिलेगा, वो काम चालू किया जाएगा। दुगालू भैया, लोगों का, मैं अभी यहाँ से आ रहा था तो मुझे अधिकतर लोगों ने ये शिकायत की है कि वहाँ भी नालियाँ बजबजा रही हैं, नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये हटरी के पास बहुत सारे लोगों ने ऐसी शिकायत की है। इधर आपकी गली में आइए, आप लोग आइए, बताइए क्या प्रॉब्लम है। नाली साफ नहीं होते, नाली समस्या है भैया, रोड की समस्या है। तू मन बोला मोर से वोट नहीं बनाया होते का नाले के। नाली साफ नहीं है और पानी नहीं गए है और नाली में ढक्कन उकन कुछ नहीं लगे है, बस उसके समस्या है। आप कौन से गली में रहते हैं? श्यामलाल डॉक्टर गली। श्यामलाल डॉक्टर वाली गली में ये समस्या बरकरार है। और इनका कहना है कि अभी भी साफ सफाई की व्यवस्था ना, तो प्रतिदिन कोई साफ करने आता ना किसी भी प्रकार की साफ सफाई की व्यवस्था है। देखिए भैया, सफाई की नगर निगम के द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो रहा है और इनके यहाँ भी हो रहा है। और इन्हीं के घर के पास, डॉक्टर तिवारी के घर के पास पूरे जो टीम वहीं पर बैठते हैं। यदि वो नहीं करते हैं तो कल मैं उनको बोलूँगा कि गली को क्यों कर दे। रह के बाद वो नाली की जो बात कर रहे हैं, बिगा तो ये सीतामढ़ी का सबसे बड़ा समस्या था। ये जो नाली है बहुत ही बड़ा समस्या था, इसके कारण डुबान हो जाता था हमारे, बरसात के दिनों में डुबान हो जाता, कई घर टूट जाते थे, जिसमें मेरे भी 2 घर टूट गया था। अभी वर्तमान में पूरा शहर का पानी नाली से आता था, उसी नाली से, जो नाली की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी वो नाली को जो है अभी 14 लाख रुपए में मेन रोड में वही नाली का पानी किया हूँ अब। अच्छा। है ना, हो गया, वर्तमान में हो गया। अभी जो है नगर पालिक निगम के द्वारा नगर पालिक निगम के द्वारा 50 लाख 26 हज़ार का टेंडर हो गया। 15 सितंबर से कार्य चालू होगा। 3.5 साल का समय गुजर चुका है दुगालू भैया, 3.5 साल में और किस तरह का फायदा मिला है, और कोई जनता आप बताना चाहेंगे? बोलिए बोलिए। रोड बना है, नाली बना है, तो झाड़ू लगाने आते हैं, सामुदायिक भवन बना है, हॉस्पिटल बना है और आंगनबाड़ी बना है। और किसी को समस्या है तो बताइए यहाँ पर किस तरह के। सर, हम लोग भी राम मंदिर के इधर आगे रहते हैं, पीछे रहते हैं, और वहाँ पर बहुत गंदगी है। बड़ा सा नाला बना हुआ है, भैया बोले कि वो पुल बनेगा और बहुत मच्छर है सर। और तो आपने पार्षद महोदय से शिकायत की? जी जी, शिकायत किए हैं, भैया बोले हैं कि सुविधा करते जाएं। कब तक उम्मीद है जी? आप देख, ये तो नहीं मालूम। चलिए चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम, वृद्धा पेंशन और किसी भी प्रॉब्लम है तो बताइए आप। नहीं है हमसे कोई पार्षद से, नहीं है। जी जी बताइए। जी सर, यहाँ हमारे, क्या नाम आपका? जी आयशा बेगम। आयशा बोलिए मैम, क्या प्रॉब्लम है सर? इधर हमारे यहाँ इधर पाइप ही नहीं गया, पानी का पाइप नहीं गया। पार्षद तो अभी लगा ही नहीं है, अभी तक बोलते हैं लगेगा, कब तक लगेगा? ये पार्षद जी, वो पार्षद जी, खाली अपने मनमौजी करते हैं साहब, यहाँ कुछ करते ही नहीं लोग, दोनों को दोनों नहीं करते। ये लोग चाहते हैं कहाँ से पैसा, हम अपना बिल्डिंग खड़ा कर ले। चले चले, वो बात होगी। चलिए पार्षद जी, इधर नाली की सबसे मेन जो जरूरत है पानी, आज पानी की समस्या वहाँ बनी हुई है बता रहे हैं। देखिए भैया, पानी की समस्या तो मेरे नगर पालिक निगम के द्वारा जल अवधर योजना के तहत
पूरे वार्ड में मैंने नल कनेक्शन करवा दिया है, अभी कुछ जगह में बचे हैं, जैसे कि मेन रोड में, अभी मेन रोड में नहीं हुआ है लेकिन हर गली में हो गया, आप सामने ही देख रहे हैं, अभी इंटर हो रहा है। अब पानी पानी हाँ जोड़ा नहीं है, अब जोड़ने में टाइम लगता है, तुरंत पानी का कनेक्शन तुरंत नहीं होगा भाई, अभी इंटर का कार्य चल रहा है, एक दो जगह इंटर होगा उसके बाद पानी हर घर में। एक बात तो मैं कहूँगा, पानी के लिए जो बनाया समस्या, सबसे पहले पानी है जीवन, एक पानी 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 के लिए, पानी के पूरा यानी कि अपना इधर जितना है। बताइए मुन्ना जी आपको कोई प्रॉब्लम है इस वार्ड में? इस वार्ड में बहुत प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ एक सामुदायिक भवन है जी जी, तो 7 नंबर वाले को भी काम आता है, 10 नंबर वाले को काम आता है। अगर सामुदायिक भवन हमको चाहिए तो पार्षद लोग बोलते हैं वहाँ निगम जाइए, निगम में 1,000-2,000 रुपये जमा कीजिए तो आपको सामुदायिक भवन मिलेगा। अच्छा, मतलब पार्षद के सपोर्ट से नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे भैया? हाँ देखिए भैया, रमेश गली में और इनके जो नाली की बात हो रहा है, मेरे को वहाँ पर कोई सहयोग नहीं मिला, ना नगर पालिक निगम के कुछ, मैं नाली बनवाने के जब रमेश गली का काम करवाया तो मैं जो वहाँ जाके नाली बनवाना चाहा, लेकिन पूरा मोहल्ला वाले मेरे को ऐसा बोले कि कोई नाली बनवाना ही नहीं चाहता, सहयोग ही नहीं किए, कोई भी बोलता है मेरा दीवार टूट जाएगा तो उसको नगर पालिक निगम बना के देगा, और नहीं तो मैं दुनिया भर के बातचीत करना, कोई सहयोग करेगा तो बनेगा भैया। ये नहीं, तो इनकी बात ये है कि सामुदायिक भवन का सहयोग नहीं मिलता है, आप बार बार ऊपर भेज देते हैं कि वहाँ जाके शिकायत कीजिए तब मिलेगा। हाँ देखिए भैया, ये मेरे हाथ में नहीं है ना, ये सामुदायिक भवन मेरे हाथ में नहीं है, ये नगर पालिक निगम के द्वारा प्रस्ताव किया गया है और वो जो है ये तो आयुक्त तो कर सकते हैं इसके बारे में। और कोई समस्या? ठीक है, यहाँ के वार्ड क्या आप बताएंगे किस तरह का कार्य हो रहा है? बढ़िया है भैया सब काम। सब ठीक है, आप बताइए भैया। सब ठीक है। आपका वार्ड है, आपके मोहल्ले, आपके मन की बात कहना चाहते हैं बिल्कुल कहिए, पीछे मत रहिए, आज वार्ड पार्षद जी हमारे साथ हैं, उनका सहयोग मिलेगा, आपको और भी कोई बात कहनी है तो कह सकते हैं। संजू भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो 9 नंबर वार्ड। अच्छा ठीक है भैया, सब काम से सही चल रहा है जी। चलिए, और कोई मुद्दा? जी जी सर, हमारे मोहल्ला में बिजली का बहुत बिल आ रहा है सर, 20,000-30,000 एक एक घर में आ रहा है, तो हम लोग गरीब आदमी कैसे पटाएंगे सर? आप इसके लिए वार्ड पार्षद के साथ जाकर पूरी टीम बनाइए, एक एक घर में तो नहीं आ रहा होगा, सभी घर में आ रहा होगा, तो सब लोगों की टीम बनाकर आप जरूर जाइए और वार्ड पार्षद आपका साथ देने को तैयार है। भैया यहाँ पर बिजली बिल की समस्या आ रही है, आप इनके साथ जरूर जाइए, बिजली बिल में जो बढ़ के बिल आ रहा है, अगर आप इसके प्रतिनिधि बनकर जाते हैं तो हो सकता है वो सुधार हो जाए। नहीं, जरूर हो जाएगा जी, मैं जब भी इनको ये मेरे को बोलेंगे कि यह समस्या आ रहा है तो मैं तत्पर रहूँगा। क्या पटा पाएंगे सर? बात समझ रहा हूँ, लेकिन आपको भी कदम आगे बढ़ाना होगा। और कोई वृद्धा पेंशन वगैरह मिल रहा है माता जी? हाँ, मिला थे मोला। मिला थे? हाँ। और कोई राशन वोशन मिला था? मोबाइल पाए कि नहीं पाए? पाए हाँ, मोबाइल ला। का ना है? मोर ना फिरती ना है। हाँ। मोबाइल पाए हाँ, राशन के चल पा था। हाँ। और पैसा पा था, अब गैस चूल्हा पाए हाँ, और कल पाए हाँ, अब पानी के बिल है बड़ा बड़ा थे बेटा, मैं काम आते पठा हाँ, वही ला थोकन काम करवाबे। पानी के बिल की समस्या है? हाँ। चलो और कोई आपको प्रॉब्लम है? सिलेंडर गैस नहीं मिला थे। क्या कहा था? सिलेंडर गैस नहीं मिला थे, 1 साल हो गए भरे हैं फार्म। तक फार्म भरे थे आप? हाँ। पार्षद के पास गए थे? हाँ। तो पार्षद जी बताएं, इनको अभी भी सिलेंडर की व्यवस्था, बिजली के बिल ला काम करवाबे? नहीं नहीं, चाहे छवि के बाद में कल आऊँ मैं। चलिए और कोई बताइए किस तरह का कार्य हो रहा है? मुरली जी आइए, आगे आइए भैया। वार्ड में काम बढ़िया हुआ है, पार्षद हमारे बढ़िया आदमी हैं, और पार्षद जो मैडम है वो भी जो है लोगों से मिली जुली है, पूरे गली में जो है फर्शीकरण का काम हो चुका है, नाली का काम हो गया है, सिर्फ साफ़ सफाई की थोड़ी मोड़ी व्यवस्था शिकायत कहीं कहीं पे आ रही है। एक्चुअल में क्या है, ये जो मेन रोड में नाली बनी है यहाँ तक बनी है, और आगे की नाली जो है वो खुली पड़ी है, लोग उसमें कचरा भी डाल देते हैं, और वो कचरा ठीक से कभी साफ हो पा रहा है कभी नहीं हो पा रहा है, वो शिकायत वहाँ तक वही है। तो मतलब जो बुनियादी मुद्दा है वो बुनियादी मुद्दा साफ सफाई, बिजली पानी, नल की भी व्यवस्था भी बढ़िया हुई है, घरों घर कनेक्शन दिए गए हैं, रोड में कुछ कनेक्शन बाकी हैं वो भी कम्प्लीट हो जाए। क्या बात, आप कुछ कहना चाहेंगे भाऊ जी? हाँ, कहने की बात क्या है, सभी तो संतुष्टिजनक है जी जी, सभी कार्य संतुष्टिजनक है, और ऐसे कितनों भी आप कार्य करें लेकिन कमी रहती ही है ना,
इसलिए पार्षद की कार्य तो सराहनीय है और इसमें और ज्यादा क्या बोलूं। और कोई बात है मुन्ना जी, बताइए। नहीं है और कोई बात नहीं सर, बताइए। और कोई? सब ठीक है, सब ठीक। चलिए चलिए, तो ये तो हुई वार्ड क्रमांक 10 की बात। और वार्ड क्रमांक 10 में इस तरह का माहौल जो बना हुआ है, लगभग सभी समस्याओं से निजात हमारे ओम श्रीवास और हमारे दुगालू भाई यहाँ दे रहे हैं और इनका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली, वाकई बहुत ही काबिले तारीफ कार्य हो रहा है। और भी किसी तरीके का आपको समस्या है, चाहे बिजली की चाहे पानी की, आप इनके साथ जाकर आप उस वार्ड में इस समस्या को हल कर सकते हैं। अब बात आ रही है, आइए आइए बताइए। आज मैं वहीं शुरू करना चाहूँगा, डॉक्टर श्यामलाल गली से। जी जी ठीक है। जैसे नाली दुगालू भाई ने बनवाया तो जब वो सब बोल सकते हैं अपन कि गुप्ता गली से जो पानी आता था वो तो थ्रू आउट हो गया। अच्छा ठीक है, लेकिन मोहल्ले के पानी के निकासी का अभी तक कोई साधन समझ में नहीं आया। तो आपने इनकी शिकायत की थी? जी बिल्कुल, हमने हमारा अनुरोध किया है, एक दो बार ले जाके सर्वे भी किए थे। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे भैया? हाँ, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा, नगर पालिक निगम के द्वारा 49,26,000 रुपये का टेंडर हो गया है। अभी वर्क आर्डर 15 सितंबर के बाद हो जाएगा, काम चालू हो जाएगा। ये आपको आश्वासन दे रहे हैं कि 15 सितंबर के बाद आपका काम चालू हो जाएगा। और किसी को कोई जन समस्या है तो बिल्कुल कह सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमारे वार्ड पार्षद जी हमारे साथ हैं। आज मैं शहर की स्थिति को देख रहा हूं, तो शहर की स्थिति में मान के चलिए कि त्रिकोणी आलम बन रहा है। कांग्रेस से जयसिंह भैया का नाम आ रहा है और जोगी कांग्रेस से श्री राम सिंह अग्रवाल जी का नाम आ रहा है, आपसे अनूप अग्रवाल जी का नाम आ रहा है। भाजपा ने अभी अपना नाम घोषित नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि अब आने वाला सरकार किसका बनेगा भैया? भैया मैं तो बोलूँगा हमारे कांग्रेस का बनेगा, और कांग्रेस का इसलिए बनेगा क्योंकि जनता जो है जी जी, अब जनता जितवाएगा और जनता मन बना चुका है क्योंकि कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस की कुछ उपलब्धियां जैसे आप बता रहे हैं, अभी तो लगातार बीजेपी अपने मोबाइल साइकिल ये सारी चीज़ें बांट रही है, तो आपको क्या लगता है? देखिए भैया, बांटने का तो अब जिसके पास जो रहेगा वो तो बांटेगा भैया। अब बांटने का तो ऐसा है, वो लंगा जो है सोने का था तो रावण सोना बांटता था, अब हमारे पास ऐसा नहीं। हम तो जनता के दिल में है ना, हमको जनता चुनेगा। चलिए चलिए, वो तो देखा जाएगा। क्या कहते हैं सर, किसकी सरकार दिख रही है इस बार? कांग्रेस की सरकार बनेगी सर। कांग्रेस की सरकार आने का कारण बताएंगे, किस कारण से कांग्रेस की सरकार आ सकती है? कांग्रेस की सरकार, अब बदलाव आएगा ही। क्या बदलाव आएगा वही तो जानना चाह रहा हूँ। और कोई बोलना चाहेगा बताइए, किसकी सरकार आ रही इस बार बताइए सर, आप ही बताइए। अभी तो कोई डिसाइड नहीं है किसकी आएगी, क्योंकि यहाँ अपन कोरबाई विधानसभा का मामला लें तो यहाँ भी त्रिकोणीय जो है मुकाबला बन रहा है। ये कोरबा का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है मुरली जी, आप जानते हैं कि अगर केंद्र में भाजपा है तो यहाँ कांग्रेस आ जाती है, यहाँ अगर भाजपा है तो वहाँ कांग्रेस चली जाती है, तो ऐसा कुछ आपको माहौल नज़र आ रहा है कि इस बार क्या होना है? ऐसा दुर्भाग्य रहेगा ही भैया, ये ऐसा क्यों वैसा चले ही आ रहा है कोरबा विधानसभा के बारे में, ये भ्रम टूटना चाहिए। अब की बार तो बिल्कुल भी स्थिति स्पष्ट नहीं है क्या होगा। चलिए चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बन रही है सर? अब वो गिनती करने के बाद में पता चलता है किसको वोट देना किसको नहीं देना है। मैं खुद हम कहता हूँ, हाँ भाई आइए इधर आइए। नहीं बस यहीं पे बोलता हूँ मैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? ये मोदी सरकार बनेगी। मोदी सरकार बनेगी जी हाँ। लोग यहाँ कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार दिख रही है, ऐसा क्यों? वो ऐसा है लेकिन छत्तीसगढ़ का मतलब राज्य मंत्री वही होगा, मतलब भाजपा ही आ रही जी हाँ। चलिए ठीक है, और कोई आप बताएंगे सर, आइए इधर आइए। भैया जी हमारे वार्ड में कौन पार्षद फिर चुनाव जीत के आएगा वो अगर पूछें तो मैं बता सकता हूँ। बताइए वो ओम श्रीवास है, दुगालू श्रीवास है। चलिए चलिए वो ठीक है, इस बार मुन्ना खान पार्षद में खड़ा होगा और जीत के दिखाएगा। चलिए चलिए, ये त्रिकोणी संघर्ष बताया जा रहा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो इधर हमारी माताएं बहनें बताएंगी किसकी सरकार आएगी इस बार। कांग्रेस का सरकार आएगी। हम लोग तो कट्टर कांग्रेस कांग्रेस। चलिए चलिए चलिए, इधर कांग्रेस ही है, आधे से ज्यादा लोग बीजेपी कह रहे हैं। तो हम आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही लेते हैं, और हमारे बीच ओम श्रीवास और हमारे दुगालू श्रीवास जी हमारे बीच थे, मुन्ना खान जी थे,
मुरली अग्रवाल थे, अमीन भाई थे, ये सारे लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया। और मैं चाहूँगा भैया कि बचा हुआ जो 1.5 साल है, मैं चाहूँगा कि आप न्यूज़ के माध्यम से एक वादा ज़रूर करके जाएँ कि आपके बचे हुए कार्य आप अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी कम्प्लीट करें। बचे हुए मेरा 1.5 साल में भैया इच्छाएं तो बहुत सारे हैं, वो जो कार्य जो मैं आपको बताया हूँ वो तो होगा ही होगा, और बहुत सारी मन में योजना है उसको भी मैं प्रयास करूँगा, और ये प्रयास करूँगा कि आने वाले समय एक नाम रहे, एक छाप छूटे, मैं ऐसी काम करूँ, क्योंकि मेरे को माननीय महापौर जी का और माननीय श्री विधायक जी का बहुत ही सहयोग है, जिसके कारण मैं ये कार्य करूँगा। धन्यवाद धन्यवाद दुकालू श्रीवास जी। और कितने दिन पहले आप भी बता रहे हो? नहीं नहीं ये बोलना नहीं चाह रही, बताओ ना, ये आप पार्षद से करवाओ ना काम, क्यों नहीं करवाते? तो आज के फिलहाल अब बोलेगा कोरबा, सबके राज खोलेगा कोरबा में हम वार्ड क्रमांक 10 में थे, और वार्ड क्रमांक 10 में हमारे को जहां तक जो समझ में आया हो वो है कि यहां के वार्ड पार्षद बिल्कुल सक्रिय हैं और सक्रियता इन्होंने अपनी निभाई है, और मैं चाहूंगा एक बार ज़ोरदार ताली हो जानी चाहिए इनके लिए ताकि ये भविष्य में भी इस तरह का वर्क करता रहें। और हमारे साथ आप भी दोहराइएगा, अब बोलेगा कोरबा, सबके राज खोलेगा कोरबा। तो दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, अब बोलेगा कोरबा, अब बोलेगा कोरबा, अब बोलेगा कोरबा।